नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर केवी राय, फॉर्मर एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आरटीआई के संबंध में कई लोगों ने पूछा है कि यदि प्रथम अपील के बाद भी आपको सूचना ना मिले या गलत सूचना मिले तो क्या किया जाए। इस संबंध में आरटीआई में प्रावधान है कि आप सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में अपनी सेकंड अपील या कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। कंप्लेंट तभी दायर की जाएगी जब उस विभाग में अपने यहाँ आरटीआई से संबंधित सुविधाएं देने का प्रबंध ना कर रखा हो, जैसे एपीआईओ, पीआईओ, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी आदि नियुक्त ना कर रखे हों, आरटीआई आवेदन लेने का प्रबंध ना कर रखा हो, फीस जमा कराने का प्रबंध ना कर रखा हो इत्यादि, तब आप कंप्लेंट दायर करें ताकि उसके ऊपर कार्रवाई हो सके। परंतु यदि सूचना आपको आरटीआई के एप्लीकेशन के बाद नहीं मिलती और फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी ने भी या तो सूचना नहीं दी या गलत सूचना दी है या उसने आदेश दिए हैं सूचना दे दो परंतु आपको फिर भी पीआईओ नहीं दे रहा, तो आप सेकंड अपील 90 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं। ये 90 दिन का समय रिलैक्सेबल है, यदि कमीशन चाहे तो इसको रिलैक्स भी कर सकता है और नॉर्मली रिलैक्स कर भी दी जाती है। अतः आप सेकंड अपील का सदुपयोग करें। इसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन आरटीआई की एप्लीकेशन के बारे में अपील कर दें, वो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर सीआईसी सेकंड अपील करने का प्रावधान है, वहाँ अपने आप को रजिस्टर करिए और उनके कॉलम वाइज इन्फॉर्मेशन भर के जो भी आपकी डिमांड हो उसको रखिए ताकि उसके ऊपर समय आने पर सुनवाई हो सके और आपका पक्ष भी सुना जाए और दूसरे विभाग का पक्ष भी सुना जाए। इसके बाद सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन निर्णय लेगा और यदि उचित हुआ तो उनको दंडित भी करेगा और आपको अगर मुआवजा वगैरह चाहिए तो वो भी देने का प्रबंध किया जाता है। इस प्रकार सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन स्टेट्स के लिए बहुत ही पावरफुल अथॉरिटीज़ हैं जिनके आदेशों का पालन करना विभागों के लिए कंपल्सरी है। या तो वो उनके आदेशों का पालन करेंगे या हाई कोर्ट एक्सेट्रा में वो अपील दायर कर देंगे। इस प्रकार आपके पास दोनों आवेदनकर्ता के पास दोनों उपचार मौजूद हैं, नंबर एक फर्स्ट अपील, नंबर दो कंप्लेंट का माध्यम, नंबर तीन सेकंड अपील। सेकंड अपील करने का अर्थ है कि आप उस विभाग के अधिकारियों को दंडित भी करवा सकते हैं। यदि कॉन्स्टेंटली कोई डिफॉल्ट कर रहा है तो उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई भी हो जाती है। बड़े बड़े अधिकारी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में स्वयं हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का प्रयास करते हैं ताकि वो दंड से बच सकें। ये है हमारे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की पावर। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और बात पर बात करेंगे। धन्यवाद।